खातिर तूल सजदा कर दिया, मुस्तफा ने जिसकी खातिर तूल सजदा कर दिया, मुस्तफा ने जिसकी खातिर तूल सजदा कर दिया, उसके एक सजदे ने हर सजदे को जिंदा कर दिया, उसके एक सजदे ने हर सजदे को जिंदा कर दिया। और सामने शब्बीर के तो यूं ही बौना था यजीद, सामने शब्बीर के तो यूं ही बौना था यजीद, उसको उस घर ने कुचल कर और छोटा किया, उसको उस घर ने कुचल कर और छोटा कर दिया। सामने शब्बीर के तो यूं ही बौना था यजीद, सामने शब्बीर के तो यूं ही बौना था यजीद, उसको उस घर ने कुचल कर और छोटा कर दिया, मुस्तफा ने जिसकी खातिर तूल सजदा कर दिया। वफा जिसका पढ़े खुतबा उसे अब्बास कहते हैं, वफा जिसका पढ़े खुतबा उसे उसे अब्बास कहते हैं, जो लाखों से लड़े तन्हा उसे जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जो है शब्बीर की कुव्वत अली को नाज है जिस पर, जिसे जहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं, क्या बात है, जिसे जहरा कहे बेटा उसे अब्बास कहते हैं, उठे तू चले आंधी जमीन गर्दिश करे फिर भी, उठे तू चले आंधी जमीन गर्दिश करे फिर भी, रहे ऊंचा अलम जिसका अब्बास कहते हैं, रहे ऊंचा उसे अब्बास कहते हैं, वो प्यासा प्यास ने जिसकी किया सैराब दरिया को, जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं, जिसकी प्यास भी दरिया उसे अब्बास कहते हैं। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं, वफा जिसका पढ़े खुतबा उसे अब्बास कहते हैं, जो पत्थर पर उसे कहते
जो पत्थर पर अंगारे उसे कहते हैं सब गर्दन अलंगारे जो पानी पर उसे अब्बास कहते हैं नारे रिसालत एक नारा है नी एक नारा है नी एक नारा है नी एक बार फिर बोलो जो पत्थर पर अंगारे उसे कहते हैं बहुत अच्छा शेर जो पत्थर पर अंगारे उसे कहते हैं सब गर्दन अलंगारे जो पानी पर अब्बास कहते हैं लगा दे जो बगैर तेल भी अंबार लाशों के जो है पैकर शुजात का उसे अब्बास कहते हैं ये थे सुधीर उदासी जो बारगाहे मान हुसैन में राजा खिदमत पेश कर रहे थे। मोहतरम हजरात जो 72 अपराध भाग की खातिर मैदान कर मुगला में पहुंचे उनमें सैयद अली अब्बास अलंगार का नाम सर फहरिस्त आता है क्योंकि आप इस्लामी झंडा और जनी झंडा संभाले हुए हजरत सैयदना अब्बास रमजान का जिक्र किया जाए या सैयदना अली अकबर का जिक्र किया जाए सैयदना अली असगर की बात की जाए या ज़ैनब के दोनों लाल दोनों बेटे दोनों मोहम्मद की बात की जाए कासिम की बात की जाए ये तमाम शहीदाने करबला है और इन्हीं के बारे में कहा गया है कि अली का घर वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा है।